नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो हमारी बहनों के बारे में है, जैसे कि ड्राई वजाइना, शुष्क योनि, एक ऐसी स्थिति है जिसमें योनि में पर्याप्त लुब्रिकेशन, चिकनाहट नहीं बनती या नहीं होती, जिससे यौन संबंधों में दर्द और असुविधा हो सकती है। इसके कुछ खास कारण हैं। पहली तो ये समस्या है कि खान पान की में गड़बड़ी होने की वजह से, ज़्यादा तेल मसालेदार बाहर के खाने की वजह से ठीक से शरीर का काम न करना, हार्मोनल परिवर्तन, रोगनिवृत्ति, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में और तंग कपड़े पहनना, योनि की स्वच्छता में समस्याएं, ये सब नाना तरह के कारण होते हैं जिसमें कि ड्राई वजाइना हो जाती है। इसमें देखा यह गया है कि 100 में से कम 20 बहनों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। होम्योपैथी में इसकी जो है बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, बशर्ते कि आप किसी दूसरे पैथी में जाएं, एक बार होम्योपैथी में आके अपना के जरूर देखें। आप अपने निकटवर्ती किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें और उनकी दवाइयों का सेवन करना शुरू करें। होम्योपैथी में ड्राई वजाइना के लिए कुछ दवाइयां हैं जिसका हम आपको विवरण देंगे, लेकिन बहुत जिस्ट में देंगे, बहुत थोड़े से में देंगे। हम सिर्फ आपको नाम बताएंगे और पोटेंशियल बताएंगे। पहली जो दवा है वो है सिपिया, अगली जो दवा है वो है पल्सिटला, बोरेक्स, कैल्केयकाब और हाइड्रेस्टिस। इन सभी को आप लोअर पोटेंशियल से लेकर शुरू करें, 6 पोटेंशियल शुरू करें, 20 दिन खाएं, फिर बाद में जो है पोटेंशियल की मात्रा को बढ़ाएं, 6 to 12 करें, 12 को 30 करें और फिर 30 को 200 में करें। 200 के डोज में दिन में एक बार लें और 1 mg के डोज को दिन में हफ्ते में 2 बार लें। 2 बूंद आप डायरेक्ट अपने जी पे भी चिपका सकते हैं या फिर आप आधे के पानी में डाल के उसे ले सकती हैं। योग और आयुर्वेद में भी इसके लिए कुछ उपाय हैं। योगासन जैसे कि प्राणायाम या कपालभाति, आयुर्वेदिक दवाइयों के में अश्वगंधा और शिलाजीत, स्वस्थ आहार, जीवन शैली का सही ढंग से रखना, जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए, थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ा सा खेलिए कूदिए इत्यादि। कृपया याद रखें कि योनि संबंधी समस्याओं के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप इसे अपने दोस्तों को अवश्य भेजें, अपनी सहेलियों को अवश्य भेजें, ताकि उनको भी ये पता चले कि क्या समस्या है और क्या इसका उपाय है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन। ये एक आशीर्वाद है डॉक्टर हैनीमैन का। धन्यवाद।